Most welcome to my educational platform, Unique Style of Teaching. आज की इस वीडियो में D2 बुक 7th एडिशन है और चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का अपलोड पहले ही कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का अपलोड होगा. क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं. दोनों पार्ट का सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा. इन अ बुक स्टोर 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on a shelf. Find part 1. The length occupied by 50 such books on a shelf. ये मैं direct और inverse relation के बारे में पहले ही explain कर चुका हूँ, लेकिन इस video में दोबारा explain करता हूँ कि अगर दो quantity के अंदर same tendency पाई जाए, यानी कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा हो और दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रहा हो, तो ये सेम टेंडेंसी है. या एक फर्स्ट क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा हो और दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज की तरफ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट रिलेशन दोनों क्वांटिटी के अंदर पाया जाता है. तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन बाय जो अभी आपको क्रॉस नजर आ रहे हैं लाइक दिस, ये वाले दो क्रॉस इस तरह से क्रॉस लगाए जाते हैं और उसके बाद ये क्रॉस आपको हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन. अभी इस केस में क्या है, 60 आइडेंटिकल बुक्स हैं और उनका लेंथ 1.5 मीटर है. ये देखिए 60 बुक्स हैं, बुक्स को और लेंथ के दो कॉलम बनाएंगे आप. 60 बुक्स हैं और 1.5 इज द लेंथ. अभी जो पार्ट 1 है, 50 सच बुक्स, आपने नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो डिक्रीज हो गई हैं, दैट इज 50, और लेंथ आपने फाइंड करना है दैट इज एक्स, तो डेफिनेटली लेंथ भी इनका कम होगा. तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट रिलेशन है और क्रॉस मैंने यहां पे लगा दिया है. अभी 60 एक्स इनटू 60 यहां पे आप वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद 50 इनटू 1.5, ये 50 है और इनटू 1.5 है. उसके बाद हमने वैल्यू फाइंड करना है x का, तो इस 60 को दूसरी तरफ ले जाएं. ये वाला जब दूसरी तरफ 60 जाएगा, 50 और 1.5 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, उसी तरह रह जाएंगे और 60 जाकर डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस. अभी आपके पास अगर कैलकुलेटर का सहूलत हो तो विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका मैन्युअली कटिंग भी कर सकते हैं. जो आपको आसानी हो उस तरह से आप काम कर सकते हैं और ये लेंथ आ जाएगा 1.25. और ये लेंथ चूंकि मीटर में है तो आप इसके साथ लिख देंगे मीटर. ये पार्ट 1 था आपका. इसके बाद
पार्ट टू का सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट टू आपके पास है जी, द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 cm लॉन्ग। यहाँ भी थोड़ा सा आपने एक अपनी विजडम को यूज करते हुए क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। अब देखें, ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, यानी कि इसका यूनिट मीटर है। इस केस में पार्ट टू के अंदर उसने जो लेंथ आपको प्रोवाइडेड है दिया है दैट इज 80 cm, तो आपने सबसे पहले 80 को 100 के साथ डिवाइड करके आंसर लेना है इसका 0.8 मीटर होगा, क्योंकि सेम यूनिट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाता है। अब आप देखिए, अगर 1.5 मीटर लेंथ थी, ये डिक्रीज होके 0.8 पे चली गई है, तो डेफिनेटली जो बुक्स हैं 60 हैं ये भी डिक्रीज हो जाएंगी। तो यहाँ भी डिक्रीज है और यहाँ भी डिक्रीज पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो दोनों में आप क्रॉस लगा देंगे और क्रॉस आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स से यहाँ गए 1.5 की तरफ, तो ये आप लिखेंगे एक्स इंटू 1.5 और उसके बाद 60 इंटू 0.8, ये आपका 60 है और यहाँ पे 0.8 होगा। अब आपने फाइंड करना वैल्यू ऑफ एक्स, तो 60 और 0.8 तो उधर ही रहेंगे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास जो 1.5 है जो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इनका अगर आप कैंसलेशन करें तो ये पॉइंट के बाद पॉइंट कैंसिल, यहाँ पॉइंट, ये दोनों जो होंगे पॉइंट के बाद जब सेम डिजिट हों, यहाँ 0.8 में पॉइंट के बाद वन डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट में के बाद वन डिजिट है, तो इट मीन कि पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो गए। अभी इसका अगर आप एक मैं स्टेप आपको ऐड कर देता हूँ ताकि आपको नेक्स्ट थोड़ा सा समझने में आसानी हो, लाइक दिस। अब ये सिर्फ 8 बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 15 बचेगा पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिलेशन के बाद। अब 15 फोर जार होंगे 60, तो यहाँ 4 बचा, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 फोर जार 32 बुक्स होंगी जो ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। इसको सेंटर में एडजस्ट कर देते हैं, ये आपका आंसर है। ये देखिए पार्ट ए का आंसर हमारे पास आया था 1.25 मीटर और यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस के अंदर एक्स का आंसर 32 बुक्स है। इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, इनका अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज का शेयरिंग करें। अगर आपको ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लें, इट इज 0321-5838264। थैंक यू वेरी मच।